स्नान किया है की माइटी पूरी एक घंटा के लिए यहाँ रुके थे, और उन्होंने यहाँ मंदिर में देख करके यहाँ नंबर लेकर हमें बुलाया और 1000 रुपये घर में उन्होंने फोन पे किया कि ये रस्से काटवा रस्से काटो और यहाँ आपको लक्ष्मी नारायण यज्ञ करना चाहिए। दूसरा विचार ये किया है कि इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, नगर पचो नहीं करता, समिति कुछ नहीं करती, समिति तो आपके सामने आके बैठ जाती है और बेड पर जो व्यवस्था आप होगी वो कर लेती है, बाकी व्यवस्था तो नगर पचो से होती है और नगर पचो के लिए समर्थ है तो हमारा काम होगा। तो लक्ष्मी नारायण यज्ञ करने के पीछे पूरा ये मकसद लक्ष्य है कि पूरा नगर क्षेत्र हमारा पूरा पचोर क्षेत्र सुख समृद्धि से रहे और समृद्ध रहे। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 3 तारीख से प्रारंभ होगा। उसके पश्चात 7 तारीख प्रातः 8 बजे से 9 बजे से 11 बजे तक भागवत कथा रहेगी और 12:30 बजे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पुनाहुति होगी। इसके पश्चात नगर भंडारा प्रारंभ हो जाएगा 12 बजे से और कन्या विवाह के लिए प्रयास ये कर रहे थे हम 11 बजे का हमको आने का टाइम देंगे, 11 बजे वो आएंगे, आकर के सीधा भोजन करेंगे, उनका भोजन होने के बाद सीधा उनकी शोभा यात्रा निकल जाएगी, शोभा यात्रा के पश्चात सीधा यहाँ आएंगे, तोरण लगाएंगे और गोधूली मेला में पानीगढ़ संस्कार संपन्न हो जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम जो विगत मीटिंग में आए थे उनके सामने रखी, बल्कि इस मीटिंग में भी जो पधारे थे पहले गया सबके सामने का कार्यक्रम की रखी है हमने कन्या विवाह का, कन्या की क्या व्यवस्था की। तो हमारे पास जो धर्म पिता है वो भी अभी फिलहाल 14 ही है, तो आप समिति में यह तय कर लिया कि हम 14 कन्याओं का विवाह ही इस वर्ष संपन्न करा लें, क्योंकि धर्म पिता के हमारे पास 14 है और वेद आवेदन भी हमारे पास 14 है और हमारा लक्ष्य है कि हमारे स्थानीय पचोर की कन्या होना चाहिए, तो वो आवेदन है वो भी सारे पचोर के हैं और वेद है तरह से कार्यक्रम को संपन्न करा दें। और उनका धर्म पिता है तो ये रखा जाए, सुबह हम लोगों ने ये रखा भी था कि जितनी लोकल बच्चे रहेगी उनका ही करेंगे, बाहर के लोगों का हम आवेदन लेते हैं तो उसमें विवाद या परिस्थिति बन सकती है, इसलिए इसमें अपना 14 धर्म पिता होना है, 14 ही बच्चे हैं, यदि लोकल की बच्ची बढ़ती है तो अपन और अपने पास समय और व्यवस्था रहती है तो विचार करते हैं और उसके लिए धर्म पिता अपन कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, पूरी रूपरेखा मैंने आपके समक्ष रखी थी। वाहन रैली अपन 30 तारीख को प्रारंभ करेंगे, ये जो समिति बनाई है वाहन रैली प्रभारी ये रहेंगे, तो इनकी व्यवस्था वाहन रैली निकालने की रहेगी, श्री संदीप जी यादव, श्री संजय जी डीसी वकील साहब, श्री आशीष जी शर्मा, श्री संजय जी यादव, श्री पुनीत जी पांचल, श्री धर्मेंद्र सिंह जी सिसोदिया, श्री राहुल जी सोनी, श्री राघव जी गहलोत, श्री राजू जी ठाकुर, श्री दिनेश जी वर्मा, श्री अनिरुद्ध जी चौधरी साहब, ये वाहन रैली श्री पवन ये वाहन रैली निकालेंगे और ये वाहन रैली के लिए कुछ लोग और अगर नाम लिखवाना चाहेंगे आना तो सभी को अपने को वह पवन और मैं रिया ये मोबाइल नंबर लिख दें ताकि आपको भी संपर्क करके बुला सके। ये नगर की पवित्रता का भाव तो है ही, पर आपके शक्ति मन की पवित्रता का भाव भी नहीं प्रदर्शन करता है। ये मन की पवित्रता ही है कि इस नगर में बड़े से बड़ा काम बहुत आसानी से संपन्न हो जाता है, ये बिना आपके सहयोग से बिना आपकी आत्मा की अनुपूति के संभव नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम की निरंतरता है और हम दिन प्रतिदिन इस कार्यक्रम को इस परिसर में कार्यक्रम को तो भव्य कर ही रहे हैं पर इस परिसर में भी भव्यता का हम ध्यान रख रहे हैं, तो इससे निश्चित होता है कि हमारा जो भी आयोजन है
इस परिसर की भव्यता के लिए भी है, तो इसमें किसी प्रकार की कमी आना तो असंभव ही है, क्योंकि मन सबका बहुत बड़ा है। जो हम कार्य कर रहे हैं और जो कार्य की कानूनी कार्यते हैं, इसकी समितियां से बनी हुई है, और उस समिति में जो जुड़े हुए सदस्य, उनकी भावना कहीं भी किसी भी प्रकार से नकारात्मक नहीं है, तो ये और इस कार्य की गति को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको लगता है विवाह हो रहा है, विवाह से जुड़ी हुई समितियां भी काम कर रही है, विवाह को कैसे अपन और अधिक स्तर पर अमली जगह बनाए उसके लिए बैठे, इसके बाद समिति को सब भारी को भी पता है और जो यहाँ बैठे हुए उनको भी पता है। आपको इसके अलावा यदि कोई कभी लगे तो हम तो समिति से अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हम तो आपके आह्वान पर जवाब तो मांगते हैं, कोई कमी हो तो बताओ ताकि हम सब मिलकर के उसको और दूर करने का प्रयास करें। अभी जो पुराने कार्यक्रम के बाद ये गेट का स्वरूप आया है, हो सकता है और कोई बड़ा स्वरूप भी इस वजह निकलेगा, तो हम तो सब आपके साथ हैं। ये कोई बैठक है, कोई भाषण नहीं, आप जब याद करोगे आपके साथ है, तन मन धन के साथ है, पूरा नगर आपके साथ है। जय हो, जय वाणी। मैं सभी उन पिताओं को और उन पालकों को नमन करता हूँ, साथ ही इस धर्म कार्य में सहयोग करने वाले और सहयोग के लिए प्रेरित करने वाले सभी लोगों को प्रणाम। पचोल नगर संपूर्ण जिले में अपने काम और दाम की वजह से पहचाना जाता है, उसी परंपरा का निर्वाह ये भोजपुरी आगमन समय थी। निरंतर ये तीसरा वर्ष है जो कन्या प्रभाव का है, और यहाँ निरंतर भागवत कथा भी है, तो निरंतर कार्य चलती है, और परमात्मा की दया से इस मिसाल को भव्यता मिली है, वो भी इस समिति का पूर्ण योगदान है। मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। पचोल नगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम में जो समिति बनी, वो ही लोगों का समझने के लिए हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि ये समिति वगैरह ये सब निधि मिलता है, लेकिन ये सब शेयर वासियों के लिए आनंद का विषय है कि इस नगर के प्रांगण में एक भव्य आयोजन, जो शायद लोग अब ऐसा सोचते हैं कि बिछुड़ी करके दान करने तो परमात्मा में बहुत पुण्य मिलता है, तो हम सब लोगों को 14 देवियों को उस कुंभ में मानने के लिए जो उनका जीवन धन धान्य से भरपूर रहे, उनका व्यवहार सफल रहे, ये सब हम सब लोगों को सौभाग्य मिलता है। इस समिति के बारे में, इस आयोजन के बारे में कोई सुझाव देना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक से एक निपुण और भारतीय लोग लगे हुए हैं, वो जैसा हम लोगों को निर्देश देंगे ये पूरा शहर उस लाइन पर चल निकलेगा। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। समितियों को सुझाव देना सूरत को दिया जाना दिखाना जैसा है। हम पिछले 2 वर्षों से ऐसे आयोजन को सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं, पुनः हनुमान जी महाराज हमारे इस वर्ष के आयोजन को भी आप सबके सहयोग से सफल करेंगे, इस मेरा विश्वास है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी जवाबदार हैं इस आयोजन के प्रति, इस नगर के प्रति चाय का बैठ रहे हैं, तो मुझे कहीं से भी लगता कि इस आयोजन में कोई कमी त्रुटि रहेगी, फिर भी हम तो मानव हैं, हम अच्छे से अच्छे करने का प्रयास इस आयोजन को पूरा करेंगे। ये आयोजन हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी की कृपा से पुनः सफल होगा, ऐसे मेरी कामना है। एवं मैं छोटा सा आग्रह करना चाहता हूँ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ नेवल भैया की आरती प्रतिवर्ष होती है, इस वर्ष भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। 27 नवंबर 2023 सोमवार, आज ही के दिन 7 दिन बाद आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पुनः मैं नगर भंडारा इस कार्यक्रम का भी पूर्णिमा के दिन यहाँ पर झंडा लगा है,
तो वो प्रातःकालीन समय रहेगा, पंडित जी से समय पूछ करके हम ग्रुप में डाल देंगे। और निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में बता रहे, क्योंकि यकीन है भगवान का यहाँ पर जितना घटने जा रहा है, तो सब लोग रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं मानता हूँ कि जो लोग रहेंगे सौभाग्यशाली जो यहाँ उसमें रहेंगे, तो आपसे निवेदन है कि उसमें भी सब यहाँ पर रहें। और शाम के टाइम हम सभी नेवलमा के तट पर चलेंगे, वहाँ पर दीप उत्सव होगा। मैं वैसा श्री अमित जी बंसल साहब से निवेदन करूँ, उससे पूर्व हमारे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँ भी हमारे जाकर के भोजन की व्यवस्था देखें। अमित जी बंसल साहब पधारे और आभार भगवान आभार के लिए आदेश हुआ कि किसी का सुझाव हो तो आवेदन कर लें। मैं आवेदन करता हूँ कि कोई सुझाव देना चाहे तो, क्योंकि आभार तो आदमी के ऊपर कोई सुझाव देना चाहे है ना। एक निवेदन कर रहा है, छोटा सा सुझाव है, समितियों में जो नाम है तो उन्होंने बताया ये एक मात्र कार्यक्रम क्षेत्र में कार्यक्रम तो व्यक्ति पहुंच जाए, 8 बजे का कार्यक्रम तो व्यक्ति पहुंच जाए। हम सभी समितियों में जुटे हुए हैं, जहां कोई जलाशय की कमी दिखे तुरंत अपना हाथ लगा दे, ये हनुमान जी के दरबार में अपना काम होगा। यही देखिए आप सब यहाँ पर पधारे, आप सबका आभार धन्यवाद जय जय श्री राम। कार्यक्रम में छोटा सा सहयोग मिला रहा कि बालिकाओं के मां जिसमें सर्वप्रथम तो दो परिवार ऐसे हैं जिनमें माता है पिता है, दो कन्याओं के और 3 कन्याएं ऐसी हैं जिनकी एक नहीं है, या माता जी नहीं है, पिता जी नहीं है। एक जोड़ा ऐसा है जो विकलांग है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही कन्या और दोनों ही विकलांग है, और 2 परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल इस तरह के जोड़े हैं। और इनके धर्म पता लगने का सबको सौभाग्य मिला है और हमारी महाराज भी है। और भोजन की तैयारी है, जिनने रजिस्टर में हस्ताक्षर करनी है अपने भोजन के लिए बताते हैं।